आइए। सो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड है, राइट? दिस क्वेश्चन इज सोलली रिलेटेड विथ जॉब कॉस्टिंग, ठीक है? क्या बोला है क्वेश्चन में, इस्पात इंजीनियरिंग लिमिटेड अंडरटूक अ प्लांट मैन्युफैक्चरिंग वर्क फॉर अ क्लाइंट, इट विल चार्ज अ मार्कअप ऑफ 20% ऑन फुल कॉस्ट ऑफ द जॉब। जो भी कॉस्ट ऑफ द जॉब आएगा उसका 20% ही विल चार्ज एज प्रॉफिट। डायरेक्ट मटेरियल यूटिलाइज, डायरेक्ट लेबर दे दिया, बजटेड ओवरहेड रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, तो एवरेज आ जाएगा इनटू एक्चुअल लेबर आवर, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा, राइट? सो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है? सो नोट नंबर 1, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, राइट? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट इज व्हाट? बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड लेबर आवर, दैट इज हाउ मच? 48 लाख बाई 24,000 घंटा, सो इट इज कमिंग टू 200 पर लेबर आवर, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल दिया, एब्जॉर्प्शन रेट इज व्हाट? बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट इन 200 होगा, क्योंकि परसेंटेज में निकलेगा यहाँ पे। तो बजटेड ओवरहेड है कितना बताइए? बजटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इज 18 लाख डिवाइडेड बाय 36 करोर, देयर विल बी 7 जीरोज, सो इट इज लाइक 18 लाख डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, पॉइंट 5% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है? So having calculated these two recovery rates, now I will move towards calculation of job cost rate. सबसे पहले है direct material cost. इस पर्टिकुलर जॉब का दे दिया 1,87,00,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2,400 × 80, 2,400 × 80, दैट इज 1,92,000। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड
दैट इज 2400 लेबर आवर्स एट द रेट 200 इज द एवरेज रेट, हमारा एवरेज रेट 200 आया है, दैट कम्स टू 4,80,000 प्लस 1,92,000 प्लस 1 crore, तो 1,93,72,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, पॉइंट 5% ऑफ 1,93,72,000 जो भी आ रहा है, 1,93,72,000 इंटू 0.5% तो 96,860, तो हमारा फुल कॉस्ट कितना आ रहा है, 1,93,72,000 1,946,8,860 प्लस मार्कअप कितना परसेंट बोला है, मार्कअप दे हैव टोल्ड 20% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन कॉस्ट, तो जो भी है उसका 20% करो थ्री एट नाइन थ्री सेवन सेवन टू टू थ्री थ्री सिक्स टू सिक्स थ्री टू राइट, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, दो ठो रिकवरी रेट निकालना है, जॉब कॉस्ट शीट बनाने का जितना भी सम आएगा ना उसमें सब में अपने को पहले ओवरहेड का रिकवरी रेट्स निकाल लेना है राइट, ओवरहेड का एंड प्रॉफिट मार्जिन, ये चीज पता होने से अपने सिंपली नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाते जाएंगे अपना आता जाएगा। Is that fine? Done. So now we will do question number 10. Right? Question number 10 is of operating costing. Right. ऐसा सेम सम वी हैव डन, तीन ट्रक वाला, बट यहां पे चार ट्रक है राइट क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़िए, बहुत अच्छा सम है, अ
और ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ अ फ्लीट ऑफ 4 ट्रक्स जिसका 10 टन कैपेसिटी है, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कस्टमर गुड्स। ट्रक जाता माल भर के साथ आता खाली है, डिस्टेंस ट्रैवल नंबर ऑफ ट्रिप्स लोड कैरीड बाई ईच ट्रक दे दिया है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एनालिसिस करके हम लोग उसको स्प्लिट अप कर लेंगे, उसमें वेरिएबल कितना फिक्स कितना। डीजल का कंजम्पशन दे दिया, उसका रेट दे दिया, ड्राइवर सैलरी दे दिया, लाइसेंस टैक्सेस पर एनम पर ट्रक दे दिया, इंश्योरेंस पर एनम फॉर ऑल 4 ट्रक्स दे दिया, परचेज प्राइस एक ट्रक का दे दिया, ऑयल सेंट्रीज दे दिया, जनरल ओवरहेड दे दिया। प्रिपेयर एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट, ट्रक ऑपरेट्स 24 डेज पर मंथ ऑन एवरेज, कॉस्ट पर ट्रक किलोमीटर रन निकालने बोला, फिर टन किलोमीटर का फ्रेट निकालने बोला है। सेम प्रॉब्लम है, बस खाली डाटा चेंज किया गया है, राइट। तो सबसे पहले नोट नंबर 1, किलोमीटर ट्रैवल्ड T1, T2, T3, T4 कैसे आता है बताइए। हम लोग किया है डिस्टेंस वन वे इंटू टू वे इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, राइट। ये याद रखना हम लोगों को, 5 चीज़ का मल्टीप्लीकेशन है, डिस्टेंस वन वे इंटू टू वे इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। सो व्हाट आई विल डू, नंबर ऑफ डेज और मंथ्स मैं एक साथ करूँगा। पहले बताइए डिस्टेंस कितना है, राइट। अच्छा, इंटू टू 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 नंबर ऑफ ट्रिप्स, 4, 1, 2, 4 कितना आ रहा है बताइए। ये 240 किलोमीटर, ये 360 किलोमीटर, ये 480 किलोमीटर, राइट। और ये आएगा 48 × 8 384 किलोमीटर, जो भी आ रहा है, प्लस 240, 360, 1464 किलोमीटर इंटू 24 डेज इंटू 12 मंथ्स, जो भी आ रहा है इंटू 24 × 12 421,632 किलोमीटर। राइट। सो हैविंग डन दिस, हम लोग का नेक्स्ट नोट होगा टन किलोमीटर निकालने का। तो हमने बताया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टू, तो वन वे आ जाएगा, इनटू लोड कैरिड, T1, T2, T3, T4,
384 by 2, 240 by 2, 360 by 2, 480 by 2. कितना कितना लोड कैरी किया है लो? सिक्स टन, नाइन टन, एट टन, एट टन। जो भी आएगा इंटू 24 इंटू 12 So 192 by into 6, 1152, 1080, 1440, 1920, 440, 1080, 1152, 5592, 1224, 24 into 12, 16,10,496. इतना टन किलोमीटर आ रहा ठीक है। अब हम लोग को एनालिसिस करना है नोट थ्री में। एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, यस और नो? तो पिछले दो साल का मेंटेनेंस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, राइट? तो उसमें क्या उपाय है? वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन किलोमीटर। टोटल कॉस्ट सेम है नहीं, तो फिक्स कॉस्ट हो नहीं सकता। कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल लो, वो भी सेम नहीं है। सो देयरफॉर इट्स अ सेमी वेरिएबल। तो 138,150 माइनस कितना? 135,525 होल डिवाइडेड बाय 160,200 किलोमीटर माइनस 156,700 किलोमीटर, सो दैट कम्स टू 0.75 पर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट है नहीं सेम, तो फिक्स कॉस्ट हो नहीं सकता। कॉस्ट पर किलोमीटर भी अलग अलग आ रहा है। अब कोई भी एक साल का डाटा ले लो, टेक एनी वन, सेकेंड ईयर का ले लो, तो फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा? टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल माइनस कर दो, तो 138,150 है, इसमें 160,200 का 0.75 करके 18,000। ये लो एनालिसिस हो गया, ये आ गया और ये आ गया।
राइट जो सम हम लोग का किया हुआ रहेगा ना उसको एग्जाम में करने में अपने को और इजी होता है। अभी अपने को पता है सीधा इसमें पार्ट वन क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला खर्चा क्या है, देखो डीजल 60 रुपये पर लीटर 4 किलोमीटर जाएगा, तो 60 बाई 4 तो पर किलोमीटर अगेन टू 421 632 63,24,480 22,000 पर मंथ है ना, सो इनटू 12 होगा, एनुअल बनाना है और 4 ड्राइवर होता है, टेन लैख 56,000। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट, लाइसेंस टैक्सेस 15,000 पर एनम पर ट्रक है, तो इनटू 4 होगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस 80,000 पर एनम फॉर ऑल द 4 ट्रक्स, डेप्रिसिएशन 30 लैक्स, स्क्रैप है 2,90,000 × 4 525 है 100 का, तो 421 632 के हिसाब से कितना होगा? ट्वेंटी 13,568 EFG जनरल ओवरहेड दिया हुआ है 110,840, 110,840 अभी हुआ नहीं है, मेंटेनेंस बाकी है। पॉइंट 75 × 421 632 प्लस 18,000 फिक्स प्लस वेरिएबल, टोटल कॉस्ट करो भाई।
6324480 प्लस 10,56,000 प्लस 1,40,000 1,1,3,3,9,1,1,2 राइट। पार्ट टू बड़ा ही सिंपल है, कॉस्ट पर किलोमीटर 1,1,3,3,9,1,1,2 बाई 4,421,632 26.89 पर किलोमीटर। पार्ट थ्री के लिए अपने को चाहिए पहले टोटल रेवेन्यू, दैट इज 1,1,3,3,9,1,1,2 डिवाइडेड बाय 70%, क्योंकि 30% अगर प्रॉफिट से मतलब दिस इज 70%। तो ये आएगा 1,6,1,9,8,731। तो फ्रेट पर टन किलोमीटर इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू बाय टन किलोमीटर इज 16,10,496। ₹10.06 पर टन किलोमीटर। देख लीजिए, ये हमारा एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट है। एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है, एकदम सिमिलर, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, मतलब खाली 3 के जगह 4 बोल दिया, अब फिगर्स चेंज है बस, बाकी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज सेम, राइट। तो कॉस्ट पर किलोमीटर, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, प्रॉफिट 30% चाहिए, मतलब कॉस्ट 70% है, तो टोटल रेवेन्यू आ गया। उस टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे टन किलोमीटर से, तो हमारा यार
डन, चलिए. सो नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11. पढ़िए आप लोग. ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए क्या लिखा है. अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन टू सीक्वेंशियल प्रोसेसेस, प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू. प्रोसेस वन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1000 WIP है, 60% कंप्लीट इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब मटेरियल ऑलरेडी 100% है. मटेरियल का परसेंटेज नहीं बोलेगा तो 100 मानेंगे. और देखो वैल्यूड एट 286.20 में मटेरियल कॉस्ट इज 255, कन्वर्जन कॉस्ट इज 31,020. इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है 40,000, उसका मटेरियल और कन्वर्जन दे दिया, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ वो दे दिया, क्लोजिंग WIP दे दिया, उसका 60% कंप्लीट इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन. 100% ऑफ मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोसेस वन एट द बिगनिंग, मतलब आप खरीदते ही 100% हो जाता है. नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट एक्सक्लूडिंग, मतलब टोटल इनपुट का नहीं, करेंट इनपुट का 10%. वेटेड एवरेज कॉस्ट बोला है, हाँ तो अपने को वेटेड एवरेज से अपने को करना है, इस सम को फीफो नहीं लगाना है. मैंने आपको बताया था जब कॉस्ट ब्रेकअप दिया रहेगा ओपनिंग WIP का तो वेटेड एवरेज, लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन का भी ब्रेकअप दिया हुआ है तो अपने फीफो भी लगा सकते हैं, राइट. बट क्वेश्चन में बोल दिया वेटेड एवरेज करने के लिए तो अपने वेटेड एवरेज करेंगे. अपने क्वेश्चन में बोला इक्विवेलेंट यूनिट का स्टेटमेंट बनाओ, बनाने के बाद खाली वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू एंड क्लोजिंग WIP, मतलब प्रोसेस अकाउंट बनाने का दरकार नहीं है. आप लोग फॉर्मेट बनाइए फटाफट AQP का. लेबर ओवरहेड अलग अलग नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन बोला है. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. गवार कहीं का कन्वर्जन का मतलब तुमको पता नहीं है. एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है. तो हम तुम लोगों को बुलाया था ना लास्ट क्लब में कि जब एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं देंगे तो अपने उसको मान सकते हैं कि वो पूरा प्रोसेस होने के बाद में पता चला कि एबनॉर्मल लॉस हो गया है वो. ठीक है, आइए. तो सबसे पहला पार्ट वन अपने को बनाना है EQP. इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल
डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट, कन्वर्जन कॉस्ट डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट, पहले इनपुट आउटपुट मैच कराना पड़ता है। ओपनिंग WIP 1000 है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 40, तो ये 41 आया, तो इसको भी 41 आना पड़ेगा। अभी अपने ये जो बना रहे ना, ये वेटेड एवरेज से बना रहे अपने, तो सीधा हमारा यूनिट्स कंप्लीटेड सीधा 35,000, इसमें ब्रेकअप दिखाने का दरकार नहीं है। नॉर्मल लॉस करंट इनपुट का 10%, तो 4000 का 10% मतलब 4000। क्लोजिंग WIP 1500, तो हिसाब से देखेंगे तो 40,500 हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस है एबनॉर्मल लॉस 500 का। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया। कंप्लीटेड है 4000, नॉर्मल लॉस 39 प्लस 1500, तो 40,500 और इनपुट है 41। तो सबसे पहला काम हमारा इनपुट आउटपुट मैच कराने का, नहीं तो गेम नहीं होगा। राइट, तो कंप्लीटेड वाले का तो सीधा 100-100 फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो इसमें कुछ ओपनिंग WIP का है जो उसमें थोड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 35,000 नॉर्मल लॉस आता नहीं है। अब नॉर्मल लॉस को मान लो एंड ऑफ द प्रोसेस पता चला है 500 और क्लोजिंग WIP का दे दिया 100, तो स्टार्टिंग में ही 60%, तो 1500 और ये 900। तो ये आ रहा है 37,000 एंड दिस वन इज 36,400। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे टोटल कॉस्ट। तो ऑलरेडी 2,55,000 का खर्चा हो चुका है, प्लस इस साल हमने किया है 96,80,000। कितना आ रहा है? 2,55,000 का ओपनिंग WIP में खर्चा हो चुका है प्लस 96,80,000, तो 99
इसमें स्क्रैप है नहीं कुछ, मैं तो लेस होता है। इसमें लिखा है 31,020 का खर्चा हो चुका है, प्लस 18,42,000 का करंट मंथ का है, तो जोड़ के कितना आ रहा है, करो कितना, 18,73,020। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स डिवाइड करो, नाइन्टी नाइन लैख 35,000 डिवाइडेड बाई, यार है 268.51 और यार है 18,73,020 डिवाइडेड बाई 36,400, 51.4 डेसिमल प्लेस तक लो, 51.4565। और इसका लेंगे 99,35,000 डिवाइडेड बाई 37,000, इसमें आ रहा है 268.5135। ठीक है, इज दैट फाइन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया EQP का। ठीक है, अभी हम लोग को दो चीज पूछा है, कंप्लीटेड यूनिट्स का कॉस्ट, और तो पार्ट टू कॉस्ट ऑफ, इसमें बहुत सिंपल होता है, सीधा समेशन इन टू इक्विवेलेंट 268.5135 प्लस 51.4565। तो ये आ गया 268.5135 प्लस 51.4565, तो यार है 35,000 यूनिट्स इनटू 319.97 जो भी आ रहा है इनटू 35,000, सो 111,98,950। अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP 1500 इंटू 268.5135 प्लस 900 इंटू 51.4565, 1500 into 268.5135, that is 402,770.25 plus 46,310.85.
4027705449081.10. Is that fine? Bolo. ठीक है।